हेलो गाइस, प्रतीक हियर। तो आज हम बहुत सारी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री की न्यूज के बारे में बात करेंगे। तो आज की पहली अपडेट है साहिल खान की तरफ से। तो साहिल खान जो फॉर्मर बॉलीवुड स्टार है और फिटनेस एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है। उनकी जो हंक वाटर या मिनरल वाटर की कंपनी है, उसने वर्ल्ड की सबसे बड़ी बेवरेज कंपनी बडवाइजर, इस कंपनी के साथ हाथ मिला लिया है। बडवाइजर कंपनी 1876 से बेवरेज इंडस्ट्री में अपने आप को प्रूव करती आ रही है। अब साहिल खान की हंक वाटर कंपनी बडवाइजर के कॉर्पोरेशन में 0.0 नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और साहिल खान की इंडियन बेस्ड सप्लीमेंट कंपनी डिवाइन न्यूट्रिशन अपने प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इंडिया लॉन्च कर चुकी है, जिसमें यूएई, कतर, ओमान, मलेशिया, बांग्लादेश, इन कंट्रीज के लोग इसे खरीद सकते हैं। तो कांग्रेचुलेशन साहिल खान एंड हिज टीम, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि हमारे इंडस्ट्री से कोई आगे बढ़ रहा है। दूसरी अपडेट है क्रिस बुमस्टेड की तरफ से। क्रिस ने कल ये अपनी फिजिक अपडेट शेयर करी थी। ओलंपिया से 8 वीक्स आउट क्रिस अच्छे लग रहे हैं। एक हफ्ते में ही ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिले हैं, स्पेशली उनके फैट परसेंटेज में। वो और ज्यादा लीन लग रहे हैं, बट हम इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उनके कैप्शन के ऊपर। अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि क्रिस को एक रेयर किडनी डिसीज है जो 2 साल पहले डायग्नोस हुआ था। उसकी वजह से उनके स्टेरॉइड यूज के ऊपर, उनके बॉडी बिल्डिंग करियर के ऊपर सवाल उठ गए थे कि क्या वो आगे गियर्स कंटिन्यू कर पाएंगे। बट अगले साल उन्होंने ओलंपिया को जीत कर दिखाया। क्रिस कहते हैं कि इस बीमारी की वजह से उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, वो ज्यादा वाटर रिटेंशन फेस करते हैं, इसलिए वो चीट मिल अवॉइड करते हैं, अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं। बट परसों जब उनके जीजाजी इयान वेलियर ने टेंपा प्रो को जीत लिया, तो उन्होंने थोड़ा सा जंक फूड खा लिया और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुबह जब वो उठेंगे तो जरूर वाटर रिटेंशन हो जाएगा। बट सरप्राइजिंगली वो नहीं हुआ, वो अच्छे लग रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि क्रिस की हेल्थ सुधर रही है, ये बात अच्छी है। बट स्टिल ये प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। आशा करते हैं कि क्रिस हमें सालों साल ऐसे ही कम्पीट करते हुए नजर आ जाए। लेट्स प्रे फॉर इट। तीसरी अपडेट है रोहित खत्री की तरफ से। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि रोहित खत्री अमेचर ओलंपिया 2021 में कम्पीट कर रहे हैं। तो उसी रिलेटेड रोहित ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है। आपको पता ही होगा कि रोहित पहले से ही अपने आप को नेचुरल क्लेम करते आ रहे हैं, बट इस बार उन्होंने ओपनली कहा है कि वो गियर्स का यूज करेंगे और वो इसे डायरेक्टली अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करेंगे। उनका मानना है कि स्टेज पर कम्पीट करने के लिए गियर्स का यूज करना पड़ता ही है, सो अपना बेस्ट देने के लिए गियर्स लेंगे और उसके लिए उन्होंने एक प्रोफेशनल कोच को हायर किया है। रोहित ने एक चैलेंज भी लगाया है कि अगर कोई स्टेज पर नेचुरल एथलीट जीतेगा तो उसे 1 लाख का इनाम देंगे। क्या लगता है आपको, कोई अमेचर ओलंपिया को नेचुरली जीत सकता है? और आपके पहचान में कोई नेचुरल एथलीट है तो उसका नाम जरूर कमेंट करना। फोर्थ अपडेट है टेक्सास प्रो की तरफ से। तो टेक्सास प्रो, जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं था, बट एकदम से ये शो चर्चा में आ गया है, इंडिया में मनोज की वजह से और इंडस्ट्री में एथलीट्स के कंफर्मेशन की वजह से। तो अभी पता चला है कि शो में स्टीव कुकलो, इयान वेलियर, हसन मुस्तफा, टेंपा के कंट्रोवर्शियल सेकंड प्लेस फिलिप क्लाहर, डोरियन हेवुड, इतने सारे एथलीट एकदम से आ गए हैं। मतलब शो बड़ा होने वाला है। तो देखते हैं कौन जीतेगा। फिलिप क्लाहर क्या अंडररेटेड से विनर बन पाएंगे या स्टीव कुकलो पहला ही शो जीतकर ओलंपिया को क्वालिफाई कर पाएंगे, हसन का कहना मुश्किल है। और क्लासिक फिजिक डिवीजन में स्टीव लॉरेंस भी कम्पीट कर रहे हैं, इसकी कंफर्मेशन दी टेक्सास प्रो के प्रमोटर फ्रेडी नायडू ने। पांचवी अपडेट है चार्ल्स ग्रिफिन की तरफ से। चार्ल्स, जिन्होंने 1 साल का गैप लेकर इम्प्रूवमेंट करके कमबैक करा था और टेंपा प्रो में 3rd प्लेस हासिल करी थी, बट उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 1 और साल का गैप लेंगे। उनका कहना है कि उन्होंने जजेस के फीडबैक को एनालाइज करा, अपनी कमियों को फाइंड आउट करा और इम्प्रूवमेंट करके आने का फैसला किया है। आई डोंट नो उन्होंने क्या सोचा है, बट आई रिस्पेक्ट हिज डिसीजन, सो लेट्स वेट। नेक्स्ट अपडेट है सौरव सिंह राजपूत की तरफ से, यानी फिट माइंड यूट्यूब चैनल के ओनर की तरफ से। तो उन्होंने ये पोस्ट डालकर बताया कि वो 8 हफ्तों में 260 प्लस केजी के डेडलिफ्ट ट्राई करेंगे। 260 केजी यानी 570 LBS के आसपास। बढ़िया, हमारे इंडिया में पावर लिफ्टिंग कल्चर बढ़ रहा है, एंड बेस्ट ऑफ लक सौरव। अगली अपडेट है तरुण गिल की तरफ से। तरुण ने रोड टू शेरू क्लासिक अपने कुछ अपडेट शेयर करे हैं, लेट्स सी। लास्ट अपडेट है ब्रांच वॉरन की तरफ से। ब्रांच ने रिटायर होने के काफी दिनों बाद अपनी एक फिजिक अपडेट शेयर करी है। ब्रांच अभी भी लीन है, कोई एक्सेस फैट गेन नहीं करा, ऑब्वियसली साइज ग्रा है, बट स्टिल डिसेंट मसल मास मेंटेन करा है। तो आपका उस एरा से फेवरेट बॉडी बिल्डर कौन है जरूर कमेंट करना। मेरा तो जे कटलर। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी करना। अगर आपके पास बॉडी बिल्डिंग फील्ड से रिलेटेड कोई न्यूज है तो हमें इंस्टाग्राम पर शेयर करना। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।